लेकिन स्वदेशी का चूंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये झंडा अकेले ही लेके आप आगे बढ़ेंगे या सरकार की तरफ से भी कोई साथ भी खड़ा दिख रहा है साथ में? सरकार दिल से तो चाहती है लेकिन वो संधियों के अंदर बंधी हुई है। WTO आदि की संधियां ऐसी कर रखी है ना, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा जो व्यक्ति है वो मेरी तरह से खुल करके स्वदेशी के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं देश के साथ बंधा हुआ हूं, देश के लिए बंधा हुआ हूं, लेकिन मैं विदेशी कंपनियों के बंधन में नहीं बंधा हुआ। उन्होंने संधियां कर रखी इसलिए उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो आपने देखा चाहे बीजेपी हो चाहे RSS हो या उनके और उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, वो सब स्वदेशी माइंड के तो है, लेकिन साथ खुलकर सामने को नहीं आ रहा है। नहीं, कोई विरोध तो नहीं कर रहा ना, विरोध ना करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। चलिए बाबा ने बहुत अच्छे से आपके एक एक सवाल का जल्दी से सरदार जी के एक सवाल जल्दी से एक छोटा सा सवाल से वक्त की कमी है खत्म। बाबा जी देश में हजारों बाहर की कंपनीज काम कर रही हैं और आप खुद कह रहे हैं कि सरकार संधियों में बंधी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि इन सब कंपनीज को कंट्रोल करने में सालों लग जाएंगे? बाजार जो है वो लोगों की संवेदनाओं के आधार पर चलता है, इसलिए हम वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती थी, हमने इमोशंस में ये स्वदेशी का ज्वार पैदा किया है, स्वदेशी का बुखार पैदा किया है कि कंपनी चाहे जो हो, चाहे मेरे घर के सामने ठेका खुला हुआ हो, मैं दारू की बूंद अपने जिस्म में नहीं डालूंगा, ये संकल्प तो हमें करना है। चलिए ठीक है, इसी संकल्प के साथ अब हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। एक आखिरी गाना देशभक्ति का जो जिसके साथ अपने दर्शकों को अब अपनी कर गाना गाना है, आइए आइए यही गाना गाइए। नीचे रखे नीचे साथियों, पीछे रुके प्लीज, आप सब पीछे जाएं, आप सब पीछे जाएं, वतन साथियों आप सब नीचे रहें, नीचे रहें, नीचे रहें, नीचे रहें। चलिए गाना गाइए, गाना गाइए, गाना गाइए। तुम्हारे हवाले वतन साथियों।